कपरड़ा खाते आदिवासी संगठनों द्वारा रिवरलिंक प्रोजेक्ट विरोध में मामलतदार ने आवेदन पत्र सुपरत करवामां आव्यो हतो। साम्यवादी पक्ष और आदिवासी समाज अग्रणी कपरड़ा मामलतदार ने आवेदन पत्र आप सरकार सूचित प्रोजेक्ट एवं रिवरलिंक प्रोजेक्ट सख्त विरोध कर्यो हतो। साथे साथे कपराड़ा तालुकाना आदिवासियों ने पड़ती मुश्किलों दूर करवा अने पायानी सुविधा आपवामां आवे तेवी रजूआत करवामां आवी छे। मैं एस रंजन काम करी, आज आदिवासियों का मूलभूत समस्या जो है जो आज़ादी का बाद से अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, कई हल नहीं है। उन आदिवासियों को समस्या को लेकर हम लोग एक झुंडस शुरू किया और इसका पहला पड़ाव है कापराला मामलादार का माध्यम से हम एक आवेदन करके चीफ मिनिस्टर जी का और प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा। उसमें मुख्य मुख्य मुद्दा ही जैसे पेशा कानून का कानून है, सरकार का बनाया हुआ कानून है, आज तक उसको एक धारा भी लागू नहीं आदिवासी का समता जाति में बना है। भूरिया कमेटी का अनुशंसा कुछ लागू नहीं। गुजरात का तमाम जंगल क्षेत्र है, पांचवी अनुसूची का जंगल क्षेत्र है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो दर्शाया हुआ पांचवी अनुसूची का मेन बात है। इस जंगल क्षेत्रों का जंगल आदिवासी का इतने स्तर है लेकिन वो होता नहीं है, आदिवासी को बेखरवा कर और बहुत लड़ाई लड़ने का बाद आदिवासी और अन्य वनवासियों के लिए जो वन अधिकार कानून पारित किया था 2006 में उसमें आदिवासी का हक में जमीन का व्यवस्थित करना था, लेकिन वो तो किया ही नहीं। बल्कि जो कुछ किया वो एक तरह से मजा है, सपोज पाँच एकड़ जमीन में काम कर रहा है, काम कर रहा है और उसको पाँच दिन का जमीन दे रहा है, बाकी जमीन छीन के ले रहा है। तो ये देने के लिए नहीं, वो लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और मोदी सरकार आने के बाद वो 2006 वाला जो कानून है उसको रद्दी का टोकरी में डाल के नया वन कानून फॉरेस्ट एक्ट 2019 को ले आया, जो अंग्रेज उसको बनाया था लेकिन लागू करने का हिम्मत अंग्रेज नहीं किया, लेकिन इसको प्रारूप बना के किसी भी सरकार में पेश करेंगे। तमाम राज्य सरकारों से हाँ करा लिया अभी है और उसमें कानून इतना भयंकर कानून है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये अधिकार दे दिया है जो आप किसी को गिरफ्तार खुद अपना बूटे पर कीजिए वो कोर्ट नहीं जा सकता है और आप ही उसको ट्रायल कीजिए और आपको पास आदिवासी को जो एनक्रोचमेंट जो आपको गैरकानूनी प्रवेश किया है वन क्षेत्रों में तो आप बिना सतर्कता दिए उसको गोली तक चला सकते हैं। और जुर्माना गरीब आदिवासी के लिए लाया, पहला बार अगर पकड़ा गया वन क्षेत्र का खाता में तब उसको 50,000 से लेकर 1,00,000 तक जुर्माना, 5 साल से लेकर 10 साल तक का जेल, ये कानून ला रहा है। फिर दक्षिण गुजरात वाला मामला जो है वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो 1982 में वो एक तैयार हुआ था खाता पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और कम से कम 7 इसमें जलाशय बनेगा, डैम बनेगा। आपको जानते हैं ये सब जो जलाशय बन रहा है, डैम बन रहा है, इसमें जो ये जंगल क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उसमें से कुछ डैम है भला वो सरदार सरोवर से थोड़ा नीचे हाई है लेकिन उसको चौड़ाई जो है 2 से 2.5 गुना अधिक है और जितना चौड़ाई होगा उतना ज़्यादा वो घेरेगा पानी वाला, उतना बड़ा डूब क्षेत्र होगा। और आदिवासी का जमीन कहाँ है आप देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे जमीन है जहाँ पानी मिलता है, तो डैम का पानी भरेगा तो कहाँ भरेगा, वो नीचे भरेगा। बोल रहे हमने मुआवजा देंगे, अरे भैया 90 टका जो जंगल में खिराद करने वाला आदिवासी है उनके पास अपना आज तक कागज नहीं है,
वो अपने बाप दादा का समय से वहाँ खेती कर रहा है, लेकिन आज तक उनके पास कोई कागजी हक नहीं है। जी पुरुष आदिवासी है उन लोग को आदिवासी पेंशन लागू किया जाए, कम से कम 5,000 से स्टार्ट किया जाए महीना, ये दिया जाए। दूसरी बात है, तेजी से आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है। तो आदिवासी विस्तार जो है, खासकर गुजरात का 14 जिला में जहाँ आदिवासी बहुल है, उन जगह का आदिवासी विस्तारों को डिमार्केशन किया जाए और उस डिमार्केशन का लाइन खींचा जाए, उसको 8 किलोमीटर का दूर दायरे तक आदिवासी का जमीन ना कोई फिर खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, ये कानून सब ढंग से खत्म करें। और अब तक आदिवासियों को जो जमीन छिनवाई है उसके बारे में एक SIC गठन करें, ताकि इस पर विचार विमर्श करके उसको छीना हुआ जमीन फिर उनका। तो ये सब मांगों को लेके आज हम यहाँ पर आए। इसके अलावा भी और मूलभूत बात, कपड़ाला तालुका में बहुत सारे स्थानिक मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दा लेके आज मामलादार साहब को हम लोग नहीं दे रहा है, उसके लिए अलग एक दिन आएंगे, समझे ना। जैसा उसमें है जो आपको BPL कार्ड हम लोग ने डिमांड किए, ये आदिवासी जनता में जो इनकम टैक्स नहीं भरता है, मतलब तमाम आदिवासी को परिवार को BPL कार्ड का तहत में लाया जाए, कार्ड दिया जाए, ये आदिवासी के लिए हित का काम है। फिर हम लोग एक डिमांड किए गुजरात सरकार को, एक तो आखा महिलाओं को, चाहे आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, तमाम महिलाओं को गुजरात में ये महंगाई को देखते हुए ST बस में 8 बालकों को 12 साल तक का बालकों को फ्री मुसाफरी का करना है। बोले ये कोई असंभव चीज़ नहीं है। आप जाके देखो दिल्ली में तमाम महिला फ्री हो गया, जो दिल्ली में रहता है हो, दिल्ली का बाहर से आया हो, उसको कोई कार्ड देना है, सिर्फ महिला बस में चढ़ जाए और दिल्ली का बस देखो बहुत AC बस, उसमें महिला जाएंगे उसको थोड़ा लाल पर्ची दे देंगे, वो फ्री मुसाफरी है। आप जानेंगे लोकतंत्र में भला उसको कितना भी आप कुचलते चाहिए, लेकिन लोकतंत्र को कोई फर्क खत्म नहीं कर सकता है, समझे ना। आज भी भगत सिंह का साथ अम्बेडकर को इसलिए हम लोग याद करते हैं कि अम्बेडकर कानून दिखाया हम लोग इसी मार्ग पर चलेंगे, अगर नहीं हुआ तो भगत सिंह है, घर घर में भगत सिंह पैदा होगा और उनका संघर्ष को रोकने का क्षमता किसी सरकार में है, ये हमारा विश्वास है। ओके सर, ठीक। हमें हमारा आदिवासी संघर्ष मोर्चा द्वारा आज एक रैली ने आयोजन करेल, जो मामलेदार ने जो हमारा आखा गुजरात ना जो आदिवासी एरिया में जो कानून सुविधा ने अंदर से पण कानून लागू नहीं कर रहा, एना पर अमे आज मामलेदार ने आवेदन पत्र आप जेमा जे 5मी अनुसूचित लागू नहीं करी, कानून में से लागू नहीं कर फरजियात लागू करे, पैसा कानून लागू करम, वन अधिकार कानून हेठ आदिवासी ने जे संविधान से संविधान ने नियम से जे जमीन मळवानी थी, एना बदला में लोग ने 1 गुंठा 2 गुंठा 3 गुंठा जमीन मिले, तेना कारण अमे आज मामलेदार आवेदन पत्र आप 2000 आदिवासी वन अधिकार कानून 2006 ने पूरी तरह लागू करें, जो कायदा हेठ में ये लोग ने तमाम आदिवासी लोग ने भाई बहनों जमीन आपवामां आवे।